काल झालेल्या आंदोलनामध्ये काँग्रेसचे नेते सहदेव गोसावी सुद्धा होते आणि त्यांना सुद्धा अटक करण्यात आलेली होती, आपण बघू शकता। आणि काल नंदनवन पोलिसांनी अटक केली आणि आज सत्र न्यायालयांनी जे आहे त्यांना जामीन दिलेला आहे। नेमकं आता त्या संदर्भात, प्रकरणाच्या संदर्भात इत्यंभूत जी आहे माहिती जी आहे काँग्रेसचे नेते जे आहे सहदेव गोसावी यांच्याकडून विचारणा करून घेऊया। भाऊ, काय नेमकं प्रकरण होतं, काल तुम्हाला नंदनवन पोलिसांनी का अटक केली? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो तानाशाही इस देश में हो रही है, अगर किसी गरीब, हमारी एक बहन डॉली बोरकर जिनकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई है, वहाँ पे जो महामेट्रो का काम चालू है वहाँ पे अनधिकृत पूरा काम चालू है, कोई देखरेख नहीं है, वहाँ कोई वॉचमैन नहीं है। उसके बाद हमारी एक बहन वहाँ पे गाड़ी बारिश में पूरे गाड़ी गड्ढे भरे हुए थे, गड्ढे में गाड़ी का टायर जाने से गाड़ी नीचे गिरी और हमारी बहन के सर के ऊपर से एक आइसर गाड़ी चली, वही जगह पर उसकी डेथ हो गई, उसका 2 साल का बच्चा है। तो ये जो काम चल रहा है शहर में, ये काम ठीक ठाक चलना चाहिए। किसी ऐसे ही डॉली बोरकर जैसी बहन का और किसी के साथ हादसा नहीं होना चाहिए, ऐसे और कोई माँ बहन बेटी हमारी मृत नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन उठाया था और वह शांतिप्रिय आंदोलन था हमारा, उसके लिए भाग गया था। हमारे दुनेश्वर जी बैठे ने एक अप्लीकेशन दिया था नंदनवन पुलिस स्टेशन में और भाग गया था। आंदोलन होने के बाद वहाँ पे पुलिस आई है, पुलिस आने के बाद हमको बोलिए कि आप चलो थाने में आपका आधार कार्ड नंबर नाम नंबर लिख के आपको छोड़ दें, और सीधा लाने के बाद हमको हवालात में डाल दिया गया। हमको रात के 2 बजे तक खाना नहीं मिला, वहाँ पे पानी दिया गया और बोले कि ऊपर से हमारे को आदेश है कि इनके ऊपर कार्रवाई करो और 353 कलम लगा के इनको जेल भेज दो। क्या मतलब बताया गया कि कुछ गड्ढे में उनकी बाइक गिरी, वो किसका गड्ढा था, वो किसने खोद के रखी? अभी जो महामेट्रो के ब्रिज ओवर ब्रिज के काम चालू है पूरे शहर में, वाठोड़ा में नहीं पूरे शहर में चालू है, पर वाठोड़ा के जयभीम नगर में एक छोटा सा गड्ढा था, वहाँ पानी भरा हुआ था और वो हम जो भैया उनके मिस्टर थे उनको गड्ढा दिखाने और गड्ढे में सामने का चक्का जाने पर गड्ढा गिर गया और पीछे से आने वाली गाड़ी वो दीदी की आंख पर चले गई और जगह पर उसकी मौत हो गई। देखिए, पुलिस ने तो आपको कल अटक किया था मगर आज जो है सत्र न्यायालय ने जो है आपको जामीन दिया, क्या कहेंगे न्यायालय के संदर्भ में? हमने इस तानाशाही की जेल पहले भी देख चुके हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे। हम डरे थे नहीं, डरे हैं नहीं और कभी डरेंगे नहीं। जब जब ऐसे अन्याय की बात आएगी हम न्याय के साथ में खड़े रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे, चाहे कितनी भी बार हमें जेल में डाल देंगे, हम वापस आके फिर आज छुटाओ, फिर आज नंदन पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मैं। और जो DCP साहब है जिन्होंने हमारे ऊपर केस लगा, उनको हमारा सवाल है कि आपने किसके आदेश पे हमारे को 353 कलम लगाई है आपका, ये क्योंकि हम अच्छा के लिए जो बहन मर गए हम उसकी जिम्मेदार कौन है? हम DCP साहब को और प्रशासन को पूछ रहे कि हमारी जो दीदी मर गई उसकी जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम प्रोटेस्ट करते समय आपने हमको जेल पे डाल दिया, आपके पीछे सरगना कौन है, आपका मुखिया कौन है, आपके पीछे हिटलर कौन है, ये हम इसका जवाब दे। क्या और भी आंदोलन करेंगे? अभी हम आंदोलनकारी पूरे शहर में फेमस और करते रहेंगे। हमारा नेता ये जो कांग्रेस के पूर्व के नेता है सहदेव गोसाई जी, और ये जो हमेशा जो है जो समस्याओं के ऊपर में अपनी आवाज उठाते रहते हैं और गरीबों को न्याय देने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, उसी तरह से उन्होंने वो उस महिला को भी न्याय देने का प्रयत्न किया लेकिन उन पर जो है मामले दर्ज किए गए हैं और आज जो है उनको सत्र न्यायालय ने उसको जामीन दिया है। अब फिर से आप जो है क्या लोगों के लिए न्याय देने के लिए आप फिर भी तैयार है? हमारे नेता बंटी बाबा शेख के जब वो भी हमेशा लोगों के लिए था, उनसे हम सब सीखे हैं जब जब अन्याय की बात होगी तो हम न्याय के लिए हम सदा आगे रहेंगे। सुना है कि इसके पहले भी आपके ऊपर में जो है 353 जैसे मामले दर्ज है, इसके पहले भी 453 मामले जो थे, 135 की तो कलम 40-45 से ऊपर ज्यादा मामले और शतक की ओर हम अग्रसर है। निश्चित रूप से जो है ये जो है कांग्रेस के नेता सहदेव गोसावी है हमेशा जो है वो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं और उसी तरह से जो है वो बोरकर नामक एक महिला जो एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हुआ उसको भी न्याय देने के लिए वहां पे गए थे मगर नंदनवन पुलिस ने उनके ऊपर में मामला दर्ज किया और आज जो है सत्र न्यायालय ने उनको बेल दी है तो उन्होंने सत्र न्यायालय के भी शुक्रिया माना है। लेकिन जो है समस्या के लिए लड़ना नहीं छोड़ेंगे, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे, ऐसा ही कहना कांग्रेस नेता सहदेव गोसावी ने कहा है। आप देखते रहिए IBM TV 9 WBS News। धन्यवाद, नमस्कार।